फ्रांस ने अंदर पेरिस शहर ने अंदर एक आर्ट गैलरी छे। ये आर्ट गैलरी ने अंदर एक मोनालिसा नु एक चित्र छे। मोनालिसा नामनी एक कन्या छे, गर्ल, एनु एक चित्र दोरेलू छे लियोनार्डो दा विंची। लियोनार्डो दा विंची एक चित्रकार, एमणे आ चित्र दोरेलू छे। એની કિંમત લગભગ વર્ષો પહેલા 1 અબજ રૂપિયાથી વધારે હતી। 1 અબજ રૂપિયા 1 બિલિયન રૂપીઝ કોઈકે માગેલું આ ચિત્ર, પણ એ લોકોએ આપેલું નહીં। હવે એ મોનાલિસાનું ચિત્ર જે કેનવાસ ઉપર દોરેલું છે, કેનવાસ આપણને આપવામાં આવે, જે પેન્સિલથી ચિત્ર દોરેલું છે એ પેન્સિલ આપણને આપવામાં આવે, જે પીંછીથી રંગ પૂરેલો છે અને જે રંગ પૂરેલો છે, રંગ અને પીંછી આપણને આપવામાં આવે, અને એ જો ચિત્ર આપણે બનાવીએ અને એને જો બજારમાં મૂકીએ તો એની કેટલી કિંમત આવે। કારણ કે ચિત્ર દોરવું એક કળા છે। હમણાં સંતોએ હાર્મોનિયમ તબલા વગાડ્યા, એ જ હાર્મોનિયમ અને એ જ તબલા આપણને આપવામાં આવે અને આપણે વગાડીએ તો કોણ સાંભળે? તમારા ઘરનાય ન સાંભળે। અત્યારે હું વગાડવા બેસું ને તમે બધા બહાર જતા રહો, અને પૂજ્ય સંત પુરુષ સ્વામી વગાડે ને તો તમે બહાર હોય તો અંદર આવો। હવે મેર મારી આંગળી ને એની આંગળીમાં બીજો આમ કઈ તફાવત નથી એમ, પણ હાર્મોનિયમ વગાડવું એક કળા છે। તબલા વગાડવા પૂજ્ય રાજેન્દ્ર સ્વામી વગાડતા હતા, આપણે કીર્તન આરાધનાથી પહેલાં જે ઘોડા દોડતા હોય ને, આપણે વગાડે કોણ દોડે? આમ તમને રિયલ લાગતું હતું ને આમ ઘોડા જે ચાલતા હોય દોડતા હોય, એ કળા છે। એમ જીવન જીવું એક કળા છે, લાઈફ ઇઝ એન આર્ટ। એ બધાને નથી આવડતું, જેમ તબલા આપણને નથી આવડતા, હાર્મોનિયમ આપણે નથી આવડતું, આવડે કરું આમ ખોલો તો ટું 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 તો થાય જ, તબલા નામ થાપ મળે તો ધબ 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 તો થાય જ, પણ જેવી રીતે સંતો વગાડે છે એવું નથી આપણને આવડતું। અરે કઢી કઢી બનાવી ને એ પણ એક કળા છે। ડોક્ટર છે ને બાયપાસ સર્જરી કરી શકે, પણ કઢી ન બનાવી શકે। કઢી બનાવે કલા હે, એ સભી કો નહીં આતી। એમ જીવન જીવે કળા છે, એ સભી કો નહીં યાદ। ઇસ પૃથ્વી ઉપર લાખો કરોડો આદમી જી રહે હૈ, જી ગયે, મર ગયે, અબ મર જાને વાલે હૈ, લેકિન સભી કો જીવન જીના વો નહીં આતા। જીવન જીના હમે આતા હૈ વો કૈસે કહ સકતે, જબ જીવન કે દરમિયાન ઓર જીવન કે અંત મે यदि हमारे जीवन में समता हो, स्थिरता हो, निर्भयता हो, सलामती हो, पूर्णता हो और जीवन में शांति की अनुभूति हो, तो मानना कि हमें जीवन जीता, जीवन जीने का हम सीख गए हैं। सुख और दुख में, सफलता और निष्फलता में, मान और अपमान में, हर्ष और शोक के प्रसंग में क्या हमारे माइंड को हम बैलेंस कर सकते हैं? हमारे जीवन में समता है क्या? हमारे जीवन में स्थिरता है क्या? किसी भी दुख हो, किसी भी प्रसंग हमारे जीवन में बने, तो हम हमारे जीवन को स्थिर कर सकते हैं क्या? अभी पूज्य ज्ञान पुरुष स्वामी जी ने बताया कि इतनी टेक्नोलॉजी होते हुए भी आज विश्व में डिप्रेशन, फ्रस्ट्रेशन, टेंशन, स्ट्रेस क्यों है? कितने लोग इस सभी रोग से पीड़ित हैं? प्रतिदिन 3,000 व्यक्ति क्यों आपघात कर रहे हैं? सभी टेक्नोलॉजी है, फिर भी अपने जीवन में न समता रख सकते हैं, न स्थिरता रख सकते हैं। हम कंप्यूटर कैसे चलाना आते हैं, मोबाइल और फैक्स और कार सब कुछ हम जानते हैं, लेकिन जीवन कैसे जीना, जीवन में कॉन्फ्लिक्ट हो, जीवन में आफत हो, जीवन में दुख हो, दुख के समय में, अपमान के संजोगों में, निष्फलता के वक्त हम हमारे जीवन को किस प्रकार से बैलेंस कर सकते हैं, वो नहीं हमें आता।
तो ये जीवन जीवन जीना एक कला है। रामचंद्र भगवान के पास मोबाइल फोन तो नहीं था, उनके पास कंप्यूटर नहीं था, उनके पास आज जिस प्रकार के हमारे पास टेक्नोलॉजी है वैसे टेक्नोलॉजी उनके पास नहीं थी। सीता जी के पास क्या था उस वक्त, लेकिन उनको जीवन जीना वो सीख गए। वो तो भगवान है, दिव्य शक्ति है, लेकिन हमें सिखाते कि जीवन में उनके जीवन में कितने संघर्ष आए। राम भगवान के जीवन में, कृष्ण भगवान के जीवन में, नरसिंह मेहता के जीवन में, मीराबाई के जीवन में, ये जोगी जी महाराज के फोटोग्राफ देखे, उनकी मूर्ति देखे, उनके जीवन में कितनी मुश्किल थी, कितना उनके शरीर में रोग थे, कितना अपमान था, उन्होंने कितना मार खाया, लेकिन उनके कभी भी और किसी भी उनका दर्शन करे उनके मुंह पर हर दम हास्य रहते हैं। प्रभु समाज के जीवन भी हम देखते हैं उनके जीवन में। हमने आपने शायद देखा होगा द मल्टीमीडिया शो, गुजरात में अक्षरधाम है गांधीनगर में, वो अक्षरधाम में मल्टीमीडिया शो बनाने वाले मिस्टर फ्रीज जो जैकब वसल के देश के थे, उन्होंने जब स्वामी जी का सभी फोटोग्राफ देखे खींचे सभी, तो उन्होंने अक्षरधाम उद्घाटन के वक्त गुजरात समाचार से उन्होंने एक इंटरव्यू दिया था। उस वक्त उन्होंने कहा था, तो ये प्रेस रिपोर्टर ने उनसे उन लोगों ने पूछा कि आपके प्रमुख स्वामी जी के योग में आप आए तो उनकी आपको अनुभूति क्या हुई, तो उन्होंने कहा कि आज तक मैंने जो बड़े बड़े उद्योगपति हो और जो बड़े बड़े राजा किंग है सभी के मैंने मल्टीमीडिया शो बनाए हैं, और उनके मल्टीमीडिया शो बनाने के लिए उनके मैंने बहुत से उनके जो फोटोग्राफ खींचे हैं, लेकिन 80% फोटोग्राफ कैंसिल करना पड़ता है, लेकिन स्वामी जी के महीने 800 फोटोग्राफ खींचे, एक भी फोटोग्राफ उन समय उनका मैं कैंसिल नहीं कर सकता। कभी भी रात को, सुबह को, शाम को, चाहे इतनी कड़ी मीटिंग हो, चाहे उतना कभी भी कहीं भी मैंने स्वामी जी का फोटोग्राफ खींचा है, एक भी फोटोग्राफ उनका मैं कैंसिल नहीं कर सकता। हरदम परिस्थिति में उनके मन में प्रसन्नता है, शांति है, स्थिरता है। क्यों है वो? केवल यदि गुफा में ध्यान में मग्न हो तो शांति हो सकती है। हिमालय के टॉप पर, हिमालय के शिखर पर यदि हम ध्यान से बैठ सकते हैं, किसी प्रकार की प्रवृत्ति न हो, किसी प्रकार का प्रॉब्लम न हो, तो हम शांति से और ध्यान मुद्रा में हम ध्यान कर सकते हैं। स्वामी जी केवल जंगल में नहीं रहते, स्वामी जी केवल हिमालय के टॉप पर नहीं रहते, स्वामी जी केवल गुफा में ध्यान मस्त तो नहीं है, कितनी प्रवृत्ति है। समग्र विश्व में 550 से अधिक टेम्पल्स है, और हम जैसे 700 से अधिक संत है, लाखों हरि भक्त हैं, और इस संस्थान की ओर से शायद 160 अलग अलग प्रकार की प्रवृत्ति चलती है। सभी का मार्गदर्शन स्वामी जी से है। वन मैन लीडरशिप। आपकी एक दुकान हो, दो दुकान हो, ना तो टेंशन चल जाता है। यदि लड़का फेल हो जाए तो कहां भेजना, वो टेंशन है। लड़की यदि वापिस आए तो कहां भेजनी, वो टेंशन है। अरे लड़का लड़की का मैरिज के लिए हम कितना टेंशन है, उनको किसी प्रकार का टेंशन है। लाखों करोड़ अरबों रुपया के काम सभी विश्व में, स्कूल में, कॉलेज में, हॉस्टल में, मंदिर में, और सभी तरह सभी जगह पर चलता है, लेकिन स्वामी जी के जीवन में कभी भी कहीं भी किसी प्रकार का टेंशन, स्ट्रेस, फ्रस्ट्रेशन, डिप्रेशन हम कभी भी नहीं दिखाई देते। तो यही जीवन जीने की कला है। यदि किसी का ऐसी कोई कार अच्छी देखे तो हमें मालूम हो कि मुझे ऐसी कार लेनी है। यदि किसी का बंगला अच्छा देखा तो हम सोचते हैं कि मुझे भी ऐसा बंगला बनाना है। किसी का बाथरूम देखे ना, फिर भी हम सोचते हैं कि मुझे ऐसा बाथरूम बनाना है। अरे किसी का हेयर स्टाइल देखते हैं, कभी कभी लड़के लोग पीला बाल करते हैं तो ऐसा बाल करना का उनको, वे लोग सोचते हैं। किसी को घड़ी देखो, किसी का चश्मा देखे तो उनको विचार आ जाता है मुझे भी ऐसा करने का है। तो इस युग में जो जीवन जी रहे हैं, जो आकाश और पृथ्वी के बीच में हम जी रहे हैं, वही आकाश और पृथ्वी के बीच में आज स्वामी जी जी रहे हैं। जो हवा अन्न पानी हम ले रहे हैं, वही हवा पानी अन्न स्वामी जी ले रहे हैं। लेकिन स्वामी जी का जैसा जीवन हमें जीना है, तो उनके जीवन जीवन की कला का रहस्य क्या है? पहली बात तो यह है कि जीवन जीवन की कला हमें सीखनी ही पड़ेगी। यदि जीवन में आप डॉक्टर बनो तो ठीक है, डॉक्टर बनो, इंजीनियर बनो, वकील बनो, प्रोफेसर बनो, बिजनेस बनो, वो सब ठीक है आजीविका के लिए, लेकिन जीवन जीवन की कला वो डिफरेंट ही है। एक बार ऐसा हुआ,
एक सेठ एक जो बोट में एक नदी के एक और समुद्र में जा रहे थे, तो एक बार उस सेठ ने उनके नाविक से पूछा कि आप फेक्स के बारे में कुछ जानते हो, फेक्स के बारे में कि वो मेरी बल्ला जाल है, मैं तो नाविक यहाँ से सब यहाँ से वहाँ ले जाता हूँ, वहाँ के वहाँ ले जाता हूँ, मुझे फेक्स की बाबत में मैं कुछ नहीं जानता। तो सेठ ने कहा कि आपकी पान पाँच जिंदगी है ना पानी में चली गई, ठीक है, मैं तो मेरा बिजनेस करता हूँ। थोड़ी बार के बाद वो सेठ ने पूछा कि आप कंप्यूटर के बारे में कुछ जानते हो क्या? कंप्यूटर मैंने नाम पहली बार सुना यार सेठ, कि इस युग में इतने छोटे छोटे बच्चे को कंप्यूटर आता, आप कंप्यूटर का नाम भी नहीं सुना, कंप्यूटर आपने देखा भी नहीं, कैसे देखता मैं तो ये यहाँ पर रहता हूँ, ये झोपड़ी बांध कर सभी को यहाँ से यहाँ ले जाता हूँ, वहां से वहां ले जाकर मेरी आजीविका चला, तो कंप्यूटर के बारे में कुछ नहीं जानता। तो कि तेरी आधी जिंदगी पानी में गई, नो प्रॉब्लम, आगे चले गए। क्यों कभी क्या आपके आपको कार चलाना आती है कभी? कार नहीं, मैं तो कार है ही नहीं, साइकिल भी नहीं है, तो कार कहाँ से आई? तो यदि कार नहीं है तो मैं कैसे चलाना सीखता? आप इस युग में कार चलाना नहीं सीखते? कितने लर्निंग स्कूल है सभी शहर में कार सीखने के, सीख लेना। मैं नहीं सीखना, नहीं सीखते क्या? आपकी पौनी जिंदगी, वन थर्ड थर्ड फोर्थ थ्री फोर्थ लाइफ पानी में चली गई, नो प्रॉब्लम, आगे चला ना। तो समुद्र में तूफान आया, तूफान ऐसे चला ऐसे चला, तो नाव इस प्रकार से होने लगी और उसमें एक आघात लगा तो नीचे का जो लकड़ी था वो टूट गया, पानी बीच में आने लगा, अंदर बोट में पानी आने लगा। तो नाविक ने वो सेठ से पूछा कि आपको तैरना आता है? कि नहीं मुझे तैरना नहीं आता, तो मेरी तो पांच जिंदगी आधी जिंदगी पौनी जिंदगी पानी में गई, लेकिन आपकी तो समग्र जिंदगी पानी में जाने वाली है। तो हम सब कुछ जानते हैं लेकिन जीवन जीने को नहीं जानते हैं। तो जीवन जीने की कला हमें जीवन में कैसे प्राप्त कर सकते? तो पहली बात है कि जीवन का ध्येय स्पष्ट और दृढ़ करो। हम क्यों पृथ्वी लोक पर आए हैं? भगवान ने हमें मनुष्य जन्म क्यों दिया है? केवल पैसा कमाने के लिए नहीं, केवल होटल में जाके डांस करने के लिए नहीं, केवल करोड़पति उद्योगपति होने के लिए नहीं, खाने पीने के लिए नहीं, विषय भोगने के लिए भगवान ने हमें मनुष्य जन्म नहीं दिया। जैसे घड़ी है ना, एक घड़ी है, उसका मेन प्रयोजन क्या है? समय बताना उसका मेन प्रयोजन। जो घड़ी बनाने वाले का मेन प्रयोजन वही था कि ये घड़ी का लक्ष्य, घड़ी का प्रयोजन उससे टाइम देखना है। यदि कवाए कुत्ता हो जोर से मैं फेंकता तो कवा तो उड़ जाएगा, कुत्ता भी भग जाएगा। तो क्या एक घड़ी कुत्ता को भगाने के लिए बनाई गई है क्या? कवा को उड़ाने के लिए क्या घड़ी बनाई गई है क्या? एक प्रयोजन तो सिद्ध हुआ, एक घड़ी से एक प्रयोजन तो सिद्ध हुआ कि कौवा उड़ गया, कुत्ता भाग गया, लेकिन घड़ी कौवा को उड़ाने के लिए, कुत्ते को भगाने के लिए नहीं बनाई गई। उसका मेन प्रयोजन है टाइम को दिखाना। वैसे मनुष्य जन्म का मेन पर्पज हेतु क्या है? विषय भोगना, ये तो सभी कुत्ता में पशु में सभी मनुष्य सभी योनि में सब कुछ हम कर सकते हैं, लेकिन मनुष्य जन्म का लक्ष्य क्या है? तो भगवान वेद व्यास कहते हैं, हम सभी हिंदू लोग भगवान वेद व्यास को मानते हैं। वेद व्यास ने समग्र मानव जात पर जो उपकार किया, हिंदू धर्म पर उपकार किया है, लेकिन समग्र मानव जात पर उन्होंने उपकार किया है शास्त्रों की रचना करके। उन्होंने चार वेदों का विभाजन किया है, उन 1,00,000 श्लोक की महाभारत की रचना की है, 4,50,000 श्लोक के 18 पुराण की उन्होंने रचना की है, ऐसे तो बहुत से ग्रंथ उन्होंने लिखे। लेकिन उन्होंने सोचा कि कलयुग के ये सभी आदमी को समय नहीं मिलेगा, हिंदू को तो समय नहीं ही मिलेगा, तो वे लोग ये सभी नहीं पढ़ेंगे। तो उन्होंने इस सभी शास्त्र का मंथन करके, बार बार उनका विचार करके, उन्होंने एक मनुष्य जीवन का लक्ष्य बताया। भगवान वेद व्यास ने बताया कि आलोड्य सर्व शास्त्राणि
विचार्य च पुनः पुनः इदमेकं सुनिष्पन्नं ध्येयो नारायणो हरिः। कि मैंने बहुत शास्त्र मैंने लिखा था, फिर भी मैंने उन्होंने आलोड़न किया, उन्होंने अनुशीलन किया, उन्होंने उनका चिंतन किया, मनन किया, निधिध्यासन किया। जहां तक हम बहुत सुनते हैं, हम बहुत देखते हैं, हम बहुत पढ़ते हैं, लेकिन हम कभी सोचते नहीं। इसकी एक्चुअली उसका पिक्चर हमारे माइंड में क्लियर नहीं होता। वैसे तो हम हजारों साल से देखते थे वो एप्पल वृक्ष में से जब नीचे ही गिरता है, लेकिन नेपोलियन में भी वाला न्यूटन में देखा, हम भी देखते थे, हमारे बाप दादा ने नहीं देखा होगा वो एप्पल क्यों नीचे गिरा है, तो नीचे ही गिरता ऊपर कैसे जाएगा। पर लेकिन न्यूटन ने देखा नहीं, लेकिन उनके बारे में सोचा, बहुत सोचा, बहुत सोचा, और गुरुत्वाकर्षण का नियम उन्होंने ढूंढ निकाला। स्टीवनसन वो चाय बना रहा था, लेकिन उनका जो बर्तन था उसके जो ऊपर का जो ढांकन होता है ना वो ऊंचा नीचा हो रहा था। वैसे तो हम प्रतिदिन घर में देखते हैं ना, वो होता है ऊंचा नीचा, तो होता है बाष्प से वराल से, लेकिन उन्होंने सोचा क्यों ऐसा। सोचते सोचते उन्होंने स्टीम इंजन की खोज कर डाली। सोचना, भगवान बुद्ध ने एक मरे हुए आदमी को देखा, हमने सुनामी में कितने देखा, टीवी में कितने देखे, लेकिन कभी हमें विचार नहीं आता एक दिन मुझे भी छोड़ के जाना है। बुद्ध ने एक शब्द देखा और बदल गया उनका जीवन, जीवन की दिशा बदल गई और भगवान की प्राप्ति के करने के लिए वो जंगल में चले गए। तो भगवान वेदव्यास ने आलोड़न किया, शास्त्र का मंथन किया, चिंतन किया कि आलोड़ी सर्व शास्त्र ने विचार्य तो पुनः पुनः। जहां तक आप नहीं विचार करेंगे तहां तक मनुष्य जन्म क्यों है, किसके लिए है, हम क्या प्राप्त कर रहे हैं, और जो हम लोगों ने प्राप्त किया वो अंत क्षण में क्या हमारे साथ आने वाला है क्या। कई लोग चले गए इस पृथ्वी पर से, हम भी एक दिन चलने वाले हैं, चलने वाले वो निश्चित है, कभी जाने का वो निश्चित नहीं है, है? कभी कभी भारत में भाजपा आए या कांग्रेस उसमें शंका हो सकती है, बरसात आए ना आए उसमें शंका हो सकती है, मेरिट के बाद डाइवर्स हो ना हो उसमें शंका हो सकती है, बेटा हो या बेटी हो शंका हो सकती है, हा? लेकिन मरना है या नहीं इसमें किसी को शंका हो तो खड़े हो जाओ। मरना निश्चित है, लेकिन कब मरना वो निश्चित नहीं है। ये तो भूकंप का युग है, सुनामी का युग है, आतंकवाद का युग है, अकस्मात का युग है। हम यहां से नीचे उतरे ना उतरे उसमें शंका है, यदि भूकंप आ जाए तो क्या होगा, घबराना मत, नहीं होगा, लेकिन होगा तो मैं क्या करूं, मैं क्या करूं, मैं इसे नहीं रुक सकता। मरना निश्चित है, जन्म आत्या ते जरूर जानो मरवानो जय माथे दे आव्या त्यारे शुं लाव्या ने शुं ले जावो सादे जे। हमारे पिताश्री उनके पिताश्री उनके पिताश्री उनके पिताश्री उनके पिताश्री चले गए, आपके घर में छे एक चम्मच ले गए नहीं, धीरू भाई अंबानी गए ने 90,000 करोड़ की मिलकत थी, उनके पास एक पैसा भी वो लेकर नहीं गए, राजा महाराजा सभी चले गए, क्या ले गए। तो मनुष्य जीवन का अंतिम लक्ष्य ये सभी नहीं है, मनुष्य जीवन का लक्ष्य भगवान की प्राप्ति है। भगवान व्यासव्यास जी ने बताया कि आलोड़ी सर्वशास्त्राणि विचार्य च पुनः पुनः इदम एकम सुनिष्पन्नम ध्येयो नारायणो हरिः। भगवान को प्राप्त करना, भगवान को जानना, भगवान का साक्षात्कार करना, वही मनुष्य जन्म का लक्ष्य है। क्योंकि भगवान के जाने बिना केवल सत्ता से, केवल संपत्ति से, केवल वैभव से, केवल समृद्धि से, केवल डिग्री से, केवल हमारे अनेक प्रकार की कला से जीवन के सभी प्रश्नों का कोई शाश्वत समाधान नहीं होने वाला। जिन्होंने भगवान को प्राप्त किया हो, ये नरसिंह मेहता हो, मीराबाई हो, ध्रुव हो, प्रहलाद हो, ये 500 भगवान के परमहंस थे, और शास्त्री महाराज योगी भाई प्रमुख साहब महाराज है, उनकी जीवन में यही विशेषता है, उन्होंने भगवान को जान लिया, भगवान को प्राप्त कर लिया, भगवान का उन्होंने साक्षात्कार कर लिया। तो जीवन के सेंटर में भगवान, ऐसा मतलब यही नहीं है कि कमाना मत, इसका मतलब यही नहीं है कि मेरे करना मत,
इसका मतलब यही नहीं है कि आप खाना मत पीना न मत, जंगल में चले जाओ, गिरनार में चले जाओ, हिमालय में चले जाओ, ऐसा तो कोई बात बताने वाले ही नहीं। लेकिन भगवान एक के स्थान पर है। यदि भगवान भूल गए तो चाहे इतना शून्य की लाइन लगाओ इंडिया तक, उसकी कोई कीमत नहीं होने वाली। भगवान स्वामीनारायण के संत हुए निष्कर्ण स्वामी, उन्होंने एक बात बताई कि जेम सोचो शून्य सारा करे पण एक न करे जो आगरे ते सर्वालो शानो मेल से का करे चे काल बगागरे। सो शून्य करे, सो शून्य, अरे हजारों लाखों शून्य करे, लेकिन यदि एक आगे नहीं करेंगे तो उसकी कोई कीमत नहीं है। तो जीवन में एक क्या है? तो जीवन में सत्ता संपत्ति आपका वैभव नहीं है, लेकिन एक भगवान है। निष्कर्ण स्वामी ने बताया कि तेम एक हरि ने पर हरि बीज कर चतुराई कोट ते माता पर चाले मार गए जेम जेम जालो तेम कोट। भगवान को यदि भूल गए तो गलत ही आपकी दिशा है। आपका घर मान लीजिए इस दिशा पर है और आप इस दिशा पर जा रहे हैं, जितनी अपनी स्पीड बढ़ेगी ना तो आपका घर दूर न दूर होता जा रहेगा। देखिए सभी लोगों का, कई लोगों का यही अभिप्राय है। नेपोलियन बोनापार्ट को आपने यदि सुना होगा, कभी फ्रांस जाओ तो उनको राजमहल देखने के लिए कभी जाना, सन लोगों ने देखा है, देखना एक बार क्या नहीं था उनके पास। उन्होंने स्वयं कहा है कि आई हैव इनफ वेल्थ टू बाय एनी कंफर्ट इन द वर्ल्ड, आई कैन ब्रिंग द वर्ल्ड एट माई फीट, येट आई हैवंट सीन सिक्स हैप्पी डेज इन माई लाइफ। मेरे पास सब कुछ है, विश्व की कोई भी वस्तु यदि मैंने लेनी है तो मैं ले सकता हूं, समग्र विश्व को मेरे पांव के नीचे मैं दबा सकता हूं, लेकिन मैंने पूरे जीवन में छह सुख का दिन नहीं देखा। ऐसे तो कई लोग हो गए हैं, लेकिन मतलब यही है कि जीवन में भगवान को पाना, भगवान को प्राप्त करना। तो कैसे भगवान को प्राप्त करें? भगवान कहां है? भगवान कहां है? भगवान को प्राप्त कैसे किया जाए? तो शास्त्र वही उनका उपाय भी बताते हैं। तुलसीदास ने बताया कि राम मिलन के कारण, राम मिलन के कारण जो तू भय उदास तुलसी शोधिले संगत संत की राम जिनों के पास। राम चाहिए आपको? हमें चाहिए ही नहीं, हमें तो फ्रिज चाहिए, हमें तो टीवी चाहिए, राम की क्या जरूरत है? एक चाय की जरूरत, इतनी भी राम की जरूरत है हमें क्या? यदि एक दिन चाय नहीं पिया ना तो जगत घूमने लगता है, और छह महीने तक यदि राम की पूजा नहीं की ना तो कुछ नुकसान होने वाला नहीं, कुछ भी नुकसान होने वाला नहीं है। तो बताया कि यदि राम मिलन के कारण जो तू भय उदास, आज मुझे राम का दर्शन नहीं हुआ, आज मुझे राम भगवान की स्मृति नहीं हुई, हमें क्या चिंता रहती है? यदि है तो कहां जाने का राम को मिलने के लिए? राम कहां है? राम तो अणु अणु में है, कण कण में राम है, लेकिन हम नहीं देख सकते। तो कहां उनको ढूंढना? राम के मंदिर में जाओ तो राम भगवान की मूर्ति का दर्शन आप कर सकते जरूर, लेकिन राम को मिल नहीं सकते। रामायण पढ़ने से राम भगवान की महिमा जरूर हम जान सकते हैं, लेकिन राम भगवान का साक्षात्कार केवल रामायण पढ़ने से नहीं होने वाला। तुलसीदास ने ही बताया कि यदि आपको राम को मिलना है, राम को यदि साक्षात्कार उनका करना है, तो राम मिलन के कारण जो तू भय उदास तुलसी शोधिले संगत संत की राम जिनों के पास। आप राम संत के पास चले जाओ। कृष्ण भगवान भागवत में अपना ठिकाना बताता है, अपना एड्रेस बताते हैं। एड्रेस चाहिए? एड्रेस चाहिए? लंदन के एयरपोर्ट पर पहुंच जाओ और टैक्सी वाले के बोलो कि मेरे मामा के घर पर ले जाओ। टैक्सी वाले कैसे जाने आपके मामा लंदन में कहां पे है? एड्रेस चाहिए। भगवान का एड्रेस कहां है? भगवान कृष्ण स्वयं अपना एड्रेस बताते हैं कि साधवो हृदयम महम साधुनाम हृदयम त्वहम। साधु मेरा हृदय है, साधु के हृदय में मैं साक्षात रूप में विराजमान हूं। भगवान स्वामीनारायण ने भी अपना एड्रेस बताते हुए अपने उपदेश ग्रंथ जो वचनामृत है उसमें बहुत बार बताते हैं कि संत के हृदय में मैं प्रकट हूं। संत का दर्शन कहो तो मान लीजिए, मान लेता कि मुझे भगवान का दर्शन हो गया। वचनामृत में भगवान बार बार भगवान स्वामीनारायण कहते हैं। मीराबाई ने कहा कि हरे हरि वसे से हरि ना जन्मा तमें शु करशो जीवन में।
हरे हरि वसे से हरिना जन्मा, तमे शू करशो दे वन में, वन में कहां जाओगे, वन में जाने की जरूरत नहीं, हिमालय में जाने की, ठीक है तीर्थ यात्रा करने के जरूर जाओ, लेकिन भगवान कहां है, संत में। हम लाखों हिंदू लोग लाखों साल से बोलते हैं कि गुरुर ब्रह्मा, गुरुर विष्णु, गुरुर देवो महेश्वर, गुरु हो साक्षात पर ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु ब्रह्मा है, गुरु ब्रह्मा नहीं है, लेकिन गुरु में ब्रह्मा है। गुरु विष्णु, गुरु विष्णु भगवान कोई नहीं बन सकते, लेकिन गुरु में भगवान विष्णु है, गुरु में भगवान शंकर है, गुरु में साक्षात पर ब्रह्म है। एक गुरु के माध्यम से हम भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए तो कबीर ने बताया कि गुरु गोविंद दोनों खड़े, गुरु गोविंद दोनों खड़े, किसको लागू पाए, बलिहारी गुरुदेव को गोविंद दियो बताए। भगवान को बताने वाले गुरु है, संत है। इसलिए तो भागवत में, उपनिषद में हमारे ऋषि लोग बार बार यही करते थे कि तस्मात गुरुम प्रपद्येत, गुरु के शरण में जाओ। उपनिषद बताते हैं कि तद विज्ञानार्थम गुरुमेव अभिगच्छेत, गुरु के पास चले जाओ। तो गुरु हमें भगवान में श्रद्धा करा सकते हैं। भगवान की बात तो बहुत जानते हैं, लेकिन उनमें श्रद्धा कराना वो कोई आसान बात नहीं है। विवेकानंद के जब वो कॉलेज में पढ़ रहे थे फिलोसॉफी के विषय में, उस वक्त फिलोसॉफी के प्रोफेसर से उनसे पूछा कि आप ये फिलोसॉफी की बात कर रहे हैं, जीव जगत और ईश्वर की बात कर रहे हैं, लेकिन वो भगवान को कहां ढूंढना, भगवान को कैसे साक्षात्कार करना। तो प्रोफेसर ने कहा कि वो तो हमारा बिजनेस है, हम सभी भगवान के बारे में सभी शास्त्रों के आधार पर हम बातचीत कर सकते हैं, लेकिन भगवान को दिखा नहीं सकते, भगवान में हम श्रद्धा हम नहीं करा सकते। तो कहां जाना कि रामकृष्ण परमहंस के पास चले जाओ। रामकृष्ण परमहंस तो सामान्य थे, सामान्य जैसे लगते थे, उसका कोई प्रभावशाली व्यक्तित्व नहीं था। तो जो नरेंद्रनाथ उनके पास गए, लेकिन उनको प्रतीति नहीं हुई कि उसमें वो मैं कैसे मुझे भगवान का साक्षात्कार करा सकता, वापिस चला आया, उनके पास बैठा ही नहीं। प्रोफेसर से फिर से पूछा कि मुझे उसमें तो कोई प्रतीति नहीं हुई, ऐसे सामान्य लगते है, वो मैं कैसे भगवान को दिखा सकते। प्रोफेसर ने कहा वहां ही जाओ, ये संत है, वो आपको भगवान को दिखा सकेंगे। वो गए फिर से रामकृष्ण से पूछा कि आपने भगवान को देखा है कि यस, देखा है, देखा ही नहीं, लेकिन आपको मैं देखा सकता हूं। और विवेकानंद उनकी शब्द में ताकत थी, वैसे तो मैं भी बोलता हूं मैंने देखा है, वह हम भी बोलते हैं, लेकिन ये रामकृष्ण परमहंस के अंतर की आवाज थी। और नरेंद्र दास उनके शरण में बैठ गए और विवेकानंद हो गए। कि मतलब यही है कि यदि गुरु मिल जाए, सच्चे संत मिल जाए, तो भगवान में श्रद्धा वो करवाते हैं। लेकिन संत सही चाह रहे हैं, कभी कभी रावण भी इसी ही कपड़े में आते हैं, इसी ही कपड़े में आते हैं। तो संत को कभी कभी लोग क्या बोलते हैं कि मुझे तो सभी संत समान है। संत समान ठीक है, लेकिन यदि सभी प्लेन समान नहीं है, वो दोनों पंख सभी है, लेकिन आपको इंडिया जाना कर, कोई भी प्लेन में बैठने से इंडिया नहीं जा सकते। तो देखना वो कौन सा प्लेन इंडिया ले जाने वाले हैं, कौन सा प्लेन हमें सिंगापुर ले जाने वाले हैं। तो वैसे संत को भी लक्षण होता है, सभी संत गलत नहीं होते, कई संत पवित्र है, सच्चे है, आध्यात्मिक के राह पर चलने वाले हैं, लेकिन उसमें ग्रेड होते हैं ना। जैसे होम्योपैथिक भी डॉक्टर है, आयुर्वेदिक भी डॉक्टर है, MBBS भी डॉक्टर है, और MD MS सर्जन भी डॉक्टर है। कोई डॉक्टर गलत है वैसा नहीं, वो अपने अपने विषय में निष्णात है। लेकिन हमें यदि बाईपास सर्जरी करनी हो, तो भारत के 1,00,000 MBBS डॉक्टर हो ना, वो इकट्ठे होकर भी हमें बाईपास सर्जरी नहीं कर सकते। इसका मतलब यही नहीं है कि वो डॉक्टर गलत है, डॉक्टर तो सही है, लेकिन उनकी कैपेसिटी, उनकी क्षमता नहीं है बाईपास सर्जरी करने की। बाईपास सर्जरी करने वाले डॉक्टर अलग ही है, हमें तो जीव का ऑपरेशन करने का, जीव का ऑपरेशन करने का है। कभी कभी बेटा ना हो तो बेटा देने का आशीर्वाद देने वाले बहुत है। यदि शरीर में रोग हो तो रोग से मुक्त होने का आशीर्वाद देने वाले भी है, अमेरिका के वीजा आपको मिल जाए ऐसे आशीर्वाद देने वाले भी है, ठीक है। लेकिन अगर जीव का ऑपरेशन कर सके, जिसके जीवन में ये वासना जगत को निकालकर भगवान की प्रतिष्ठा कर सके, ऐसे गुरु की हमें जरूरत है। भगवान स्वामी ने ऐसे एक संत परंपरा लाई इस पृथ्वी पर, और इस पृथ्वी पर यही परंपरा में आज हम प्रमुख स्वामी जी को बहुत लोग हम पहचानते हैं, विश्व के लोगों को इनके प्रति श्रद्धा है, क्योंकि उनका जीवन बहुत पवित्र है। जो भागवत, जो गीता, जो रामायण, जो उपनिषद, जो महाभारत में जो सही संत के जो लक्षण
सभी संत लोगों ने बताया है, वे सभी संत के लक्षण उनके जीवन में आत्मसात हैं। कभी मैं बताऊं, आप मान ना लेना, उनके साथ रहना, उनके पास आना, उनके दर्शन करना, उनके जीवन के बारे में अपने स्वयं अपनी बुद्धि से, अपनी मुमुक्षुता से, अपनी श्रद्धा से देखना, तो मालूम होगा कि वो जीवन कोई अन्य है। वैसे तो कोई बहुत कथाकार, बहुत बड़े विद्वान नहीं है, 5-6 कक्षा तक उन्होंने अभ्यास किया है, बहुत बड़े विद्वता उनमें नहीं है, संगीतकार और ऐसे कोई कुछ भी नहीं है, इतने सिंपल उनका जीवन है, फिर भी इतना उनका कार्य कितना असाधारण है। उन्होंने बताया मिस्टिक इंडिया विजन ये प्रमुख स्वामी महाराज का था, किस प्रकार से मिस्टिक इंडिया बना आपने देखा, यानी उनकी कथा सुना ना तो ताजुब रह जाएगा आप, आश्चर्य चकित हो जाएंगे। एक स्वामी जी अनपढ़ जैसे स्वामी जी ने उनका विजन आप देखो, आपने देखा होगा गुजरात का अक्षरधाम विजन स्वामी जी का है, दिल्ली में अक्षरधाम विजन स्वामी जी का है, लंदन मंदिर में विजन स्वामी जी का है, अभी ह्यूस्टन शिकागो में जो मंदिर बन गया बहुत भव्य आप देख के आओ, ये विजन स्वामी जी का है। वैसे तो बहुत भोले भाले संत है, लेकिन उनके जीवन में भगवान की ताकत है, भगवान तो अनु अनु में है, फिर भी उनमें भगवान साक्षात है। जैसे एक ही वायर हो, इलेक्ट्रिक करंट का एक ही वायर हो और करंट एक ही समान है, लेकिन जीरो का बल्ब एक होल्डर में हो और 15 वोल्टेज का एक, 25 वोल्टेज का, 40 वोल्टेज का, 60 वोल्टेज का, 100 वोल्टेज का, यदि ये बल्ब हो, करंट एक ही समान है, फिर भी सभी बल्ब में प्रकाश एक समान नहीं होगा। वैसे भगवान तो अनु अनु में है, लेकिन कैपेसिटी अलग अलग है। हमारा बल्ब तो है लेकिन जीरो वोल्टेज का है, कभी किसी का माइनस वोल्टेज का भी हो सकता है, लेकिन स्वामी जी का जो बल्ब है अब जो अरबो वोल्टेज का उनका बल्ब है, इसलिए पुरुषोत्तम नारायण का प्रकाश उनकी ओर से समग्र विश्व में आज फैला हुआ है। तो आप इतने दिनों से इस संतों का समागम कर रहे, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और यह सभी व्यवस्था करने वाले खासतौर पर स्वामी जी के अत्यंत अनुरागी, स्वामी जी के अत्यंत कृपाशील भक्त परम भगवदी श्री लोला साहिब को भी हम बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं, उनका भी हम बहुत बहुत आभारी है। और सभी यहाँ के सभी कार्यकर, और मैं नाम नहीं बोलू न बोलू, लेकिन यहाँ के सभी रोहित भाई पटेल सभी व्यक्ति का मैं नाम नहीं बोल सकता, लेकिन आपने इतनी देरी तक रात के 10 बजे कभी कभी हमारे संतों को माइक मिलता है तो हम छोड़ने वाले नहीं होते, तो इसलिए तो 10 बजे 10:15 बजे आप सभी को इस श्रद्धा से, संतों के प्रति श्रद्धा है, भारतीय संस्कृति की और आपको श्रद्धा है और भगवान के प्रति श्रद्धा है, इसलिए तो आप इतनी संख्या में इतने दिन आप सभी ने लाभ लिया। शिविर में भी कई लोग आए थे, कई लोग तो सुबह में भी कथा सुनने के लिए आ जाते हैं। अभी 3 दिन हम शारजाह रहने वाले हैं, तो इसी को आपको समय हो तो वहां भी आप आ सकते हैं। जीवन में ऐसा मौका तो कभी कभी मिलते हैं, लेकिन अंतिम 2 ही मिनट के स्वामी जी का यही आदेश मैंने सभी संतों को आपको बार बार बताया है, वो बतन यही है। स्वामी जी बताते हैं कि यदि आप आपके संतानों के लिए समय नहीं निकालेंगे, संतानों के लिए यदि आप कुछ नहीं करेंगे, संस्कार संतानों को आप संस्कार नहीं देंगे, तो आपके हाथों समय से आपका संतान चले जाएगा। याद रखना, इस देश की, इस विश्व की क्या आज विकृति है, और 25 साल के बाद जो छोटा लड़का आपके गोद में बैठता है, जो उनका दर्शन करके, उनका देख के आपका मुख में हास्य फैल जाता है, ये लड़का लड़की 25 साल के बाद जब समाज में आएगा, उस वक्त टीवी का कार्यक्रम क्या होगा, इंटरनेट में क्या होगा, मोबाइल में क्या होगा, स्कूल कॉलेज में क्या होगा और होटल में क्या होगा, वो देखना, सोचना, वापिस लौटना और धर्म की ओर लौटना, भगवान में श्रद्धा रखना, घर में घर सभा करना, बालकों के लिए कुछ समय निकालना, और सत्संग यहाँ जो प्रति सप्ताह सभा होती है, शुक्रवार को होती है, गुरुवार को होती है, 2 घंटे तक समय निकालना, बालकों को भी बाल सभा में, बालिका को बालिका सभा में भेजना, और स्वामी जैसे संतों के साथ उनका संबंध करा देना। कभी क्योंकि कभी कभी हमारा वो हमारी जनरेशन हमारे सुनने वाले नहीं, लेकिन स्वामी जी के साथ यदि उनका प्यार हो जाएगा तो स्वामी इस लोक का और परलोक का सभी प्रकार की, आपने देखा अभी भी वीडियो में देखा ना, ये बीएपी संस्था की ओर से आपकी भविष्य की पीढ़ी के लिए आदिवासी की झोपड़ी से लेकर विश्व के 50 देशों में, गांव गांव में, शहर शहर में, ये सभी संत लोग हम 10 दिन से क्यों कह रहे हैं आप बालकों के लिए कुछ करें, आपका बालक आपकी बालिका बिगड़ जाए हमें कुछ नुकसान होने वाला नहीं है, नुकसान जो हो तो आपको होगा, लेकिन आप जागृत हो, कुंभकर्ण की निद्रा में कभी कभी हम सो रहे हैं तो जागृत हो,
के बाप अपने बच्चों के लिए, अपनी संस्कृति के लिए, आपकी भविष्य की पीढ़ी के लिए कुछ समय निकाल के हमारे हिंदुत्व, हमारे शास्त्रों, हमारे संतों के प्रति उनकी श्रद्धा बढ़े, इस प्रकार का प्रयत्न करें। फिर से हम भगवान